हनुमानगढ़ जिले के फेफाना कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के अभाव में 2 दिन पहले हुई एक युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों समेत अन्य ग्रामीणों ने रविवार को चिकित्सालय केंद्र प्रभारी का घेराव किया और मरीज को समय पर चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं कराने पर उनसे जवाब मांगा। ग्रामीणों का कहना था कि इतने बड़े CHC में जब पूरा चिकित्सा स्टाफ ही नहीं है तो चिकित्सालय खोलने का औचित्य ही क्या है। आए उनको प्राथमिक उपचार देने के लिए हमने स्टार्टिंग में इनको इंजेक्शन लगाए, एस्पिरिन की दवाइयाँ दी और नेबुलाइज कराया ताकि सांस की नलियाँ खुल जाए और फिर उनके ऑक्सीजन दी जाए। ऑक्सीजन बाद में दी गई, इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर खुला नहीं या ऑक्सीजन देने में देरी की, और ऐसा करके ऑक्सीजन सिलेंडर को उनके साथ भिजवा दिया गया ताकि रास्ते में भी ऑक्सीजन चलती रहे। होटल में पहुँचे और पहुँचने के बाद यहाँ पर स्ट्रेचर की पहली तो स्ट्रेचर इन्हें उपलब्ध कराया गया और बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर था तो 10 से 15 मिनट ऑक्सीजन सिलेंडर खोलने में लगा दी और ऑक्सीजन सिलेंडर खोलने के बाद पाइप भी हमें हाथों में दी गई कि आप लगा दो, हमसे वो पाइप नहीं लगाई गई तो हमने डॉक्टर को ढूंढा। यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं था उस टाइम, डेंटल डॉक्टर था जिसने साफ तौर पर हमें मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। 20 से 25 मिनट हमारे यहाँ पर इन्होंने ख़राब कर दी और हमारे जो पेशेंट थे। तो परिजनों का आरोप है कि चिकित्सा सुविधा समय पर नहीं मिली इसलिए युवक की मौत हो गई, जबकि अस्पताल प्रशासन का यहां पर कहना है कि वो एक्चुअली कोई और कारण बता रहे हैं मृत्यु के पीछे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता राकेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, इस पूरे मामले में ये तो साफ पता चल रहा है कि मरीज की मौत हुई है और उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर रही है, पूरा मामला क्या है और अभी तक इस मामले में क्या कोई कार्रवाई की गई है या कोई जाँच वगैरह की बात सामने आई है? देखिए दीपक, मैं आपको बता दूँ की कस्बे का यह पूरा मामला है जहां राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के अभाव के कारण यह घटना जो है घटित हुई है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व एक युवक राजाराम चाकोला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने व अन्य ग्रामीणों ने आज राज्य के चिकित्सालय केंद्र के प्रभारी का घेराव कर मरीज को समय पर चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं करवाने पर उनसे जवाब मांगा। और ग्रामीणों का कहना था कि इतने बड़े CHC में जब पूरा चिकित्सकों का स्टाफ ही नहीं है तो चिकित्सालय खोलने का औचित्य ही क्या है। इस मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुनील सिंपा ने ग्रामीणों को बताया कि चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी है और वर्तमान में उनके अलावा दंत चिकित्सक डॉक्टर रोहित बड़क कार्यरत है। इसके अलावा कुछ अन्य डॉक्टरों को डेपुटेशन पर भी लगा रखा है, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने आज सरपंच प्रतिनिधि को उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर और CMSO के नाम ज्ञापन भी सौंपा था। जी, धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो ज्ञापन सौंपा गया है लेकिन युवक की मौत हो गई है, चिकित्सा सुविधा सुधरनी चाहिए क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं।